हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन लिविंग बींग्स। ठीक है, तो बड़ा ही कमाल का टॉपिक है, सेवन्थ क्लास का ये टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए टाइम। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो रिस्पिरेशन, जैसा कि नाम है वैसे ही आपको पता चल गया होगा, सांस लेने की प्रक्रिया। रिस्पिरेशन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं। इनहेल और एक्सहेल, अंदर सांस लेना और बाहर छोड़ना, इसको रिस्पिरेशन बोलते हैं। इन यानी मैं और लिविंग माने जिंदा और बींग्स माने चीज़ें। तो जिंदा चीज़ों को सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। सेवन्थ क्लास का चैप्टर है, नाइन्थ, रिस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चैप्टर पढ़ने से पहले दो चीज़ें होती हैं, एक तो है रिकॉल क्वेश्चन और दूसरा है यू विल लर्न अबाउट, मतलब आपको इस लेसन में क्या क्या पढ़ना है या क्या क्या जो चीज़ें हैं वो आपको सीखनी है। तो देखो इसमें हम क्या सीखेंगे, व्हाई डू वी नीड टू ब्रीथ इन एयर, हमें क्या ज़रूरत है हवा में सांस लेने की। व्हाट हैपन टू द एयर वी टेक व्हाइल ब्रीथिंग, हवा के साथ क्या होता है जब हम सांस लेते हैं। डू प्लांट आल्सो ब्रीथ, क्या प्लांट भी सांस लेते हैं। और फिर बोल रहा है ये लेसन पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना और रेस्पायर मतलब होता है शरीर के अंदर सांस को डाइजेस्ट करना और उसमें से बाकी की चीज़ें बाहर निकाल देना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सांस लेने में जो इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं हमारे शरीर के, जो उनको ऑर्गन्स बोलते हैं। तो जो ऑर्गन सांस लेने में काम आते हैं उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी ये लेसन पढ़ने के बाद। तो देखो लेसन में क्या बोल रहा है, ऑल ऑर्गेनिज्म ब्रीथ। तो देखो लिविंग थिंग के सेवन करेक्टर्स होते हैं, मतलब जिंदा चीज़ों की सात चीज़ें होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जिनमें से एक क्या होता है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग और सेंसिंग, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ जिंदा है। तो बोल रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। इन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर्स, आसपास की हवा से। एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। दिस इज नोन एज ब्रीथिंग, इसे क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। ब्रीदिंग अलाउ ऑक्सीजन, ब्रीदिंग जो है वो अलाउ करती है ऑक्सीजन रिच एयर, यानी ऐसी हवा जो ऑक्सीजन से भरी हो, टू इंटर द बॉडी, शरीर के अंदर चली जाती है। दिस ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी, और इस ऑक्सीजन से एनर्जी बनती है। तो ये देखो जो ये लेडीज दिख रही है आपको फर्स्ट वाली, ये क्या कर रही है, ब्रीदिंग कर रही है, सांस उसकी तरफ जा रहा है इनहेल, ठीक है, और ये बाहर छोड़ रही है। ठीक है, सांस को क्या कर रही है, बाहर छोड़ रही है, ब्रीदिंग आउट। तो एक में ब्रीदिंग इन हो रही है और एक में ब्रीदिंग आउट हो रही है, इस तरीके से सांस लिया जाता है। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं। ठीक है, सांस लेना और रेस्पायर करना, ये दोनों थोड़ी अलग अलग चीज़ें जिनको हम डिटेल से समझेंगे। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस बाय विच, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन रिच एयर टेकन इन अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई हवा बाहर छोड़ देते हैं। कहने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन फूड टू रिलाइज एनर्जी, और ऑक्सीजन से जो एनर्जी बनती है उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब शरीर में हम ऑक्सीजन ले जाते हैं और वो ऑक्सीजन जो टूट करके शरीर के अंदर एनर्जी बनती है उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस किस का, रेस्पिरेशन का और किसका, इसका ब्रीदिंग का। तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, सांस लेने में दो प्रोसेस होते हैं, इनहेल यानी अंदर सांस लेना और एक्सहेल यानी बाहर सांस छोड़ना। टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेल, यानी हवा ऑक्सीजन से भरी हुई जब हम अंदर लेते हैं तो उसको इनहेल बोलते हैं। दिस ऑक्सीजन इज यूज टू रिलाइज एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड विद इन अवर बॉडी, और जब ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है तो ये क्या करती है, एनर्जी रिलाइज करती है। ठीक है, जिससे हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। द केमिकल प्रोसेस दैट अकोर इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, और फिर जो केमिकल प्रोसेस होता है उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। यानी केमिकल प्रोसेस हो गया तो रेस्पिरेशन, और सिर्फ फिजिकल प्रोसेस हुआ तो ब्रीदिंग। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट, और जिसके कंपेयर में क्या होता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ऑफ दीज केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन में दीज आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी थ्रू एक्सहेलेशन, और एक्सहेलेशन के प्रोसेस से ये शरीर से बाहर निकल जाती है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर।
लिस्ट अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोसेस, इन दोनों प्रोसेस के कुछ डिफरेंस बनाए हुए हैं जिससे हमें अच्छे से पता चल जाएगा ब्रीथिंग यानी सांस लेना और रेस्पायर रिस्पिरेशन में दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, ये क्या है फिजिकल प्रोसेस है इन्वॉल्विंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है क्या है फिजिकल प्रोसेस याद रखना, और ये क्या है केमिकल प्रोसेस, ठीक है तो केमिकल प्रोसेस है जिसमें मतलब कुछ चेंज हो जाता है और फिजिकल प्रोसेस में कुछ चेंज नहीं होता, मतलब ये दिखता है आपको फिजिकल प्रोसेस लेकिन केमिकल प्रोसेस आपको दिखता नहीं है, धीरे धीरे होता रहता है, ठीक है। वैसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फिजिकल जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का और रेस्पिरेशन का होता है केमिकल प्रोसेस। नो एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अब ब्रीथिंग लेते हैं तो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, बस सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है, और इसमें क्या होता है एनर्जी प्रोड्यूस होती है क्योंकि वो एनर्जी डाइजेस्ट खाना को डाइजेस्ट करने में काम आती है। नो एंजाइम्स और कैटालिस्ट आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इसमें कोई एंजाइम नहीं बनते ना ही कोई कैटालिस्ट होता है, इसमें ये दोनों काम होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इट अक्योर आउटसाइड द सेल बॉडी, और ये जो सेल बॉडी है समझ गए, सेल बॉडी यानी जहाँ पर सेल्स स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है हमने सेल के बारे में पहले वाले वीडियोज में पढ़ चुके हैं, तो जहाँ से सेल स्टार्ट होते हैं उसके बाद का इसका काम होता है और ये अक्योर होता है सेल बॉडी के अंदर, जब बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं जैसे ब्लड के अंदर रेस्पिरेशन का जो काम होता है वो ब्लड के अंदर होता है, ब्रीथिंग का काम है जो ब्लड के बाहर होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप अच्छे से समझ गए होंगे। ए सेट ऑफ ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन होते हैं ठीक है और वो क्या करते हैं उस गैस को चेंज करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले जाके तोड़ देते हैं और वहाँ से टूटी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन कर देते हैं बाहर लाके, ठीक है, और ये एक्सचेंज कर देते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भेज देते हैं। तो इसमें जो ऑर्गन्स काम करते हैं उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। इट मे बी सिंपल इन सम ऑर्गेनिज्म एंड कॉम्प्लेक्स इन अदर, तो बोल रहा है ये सिंपल होता है काफ़ी ऑर्गेनिज्म में और काफ़ी में कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब हो गया, काफ़ी के अंदर तो बिल्कुल आसान सा तरीका होता है, काफ़ी में बहुत ही टफ सिस्टम होता है इसका, ठीक है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स, तो एनिमल्स यानी जानवरों के बारे में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको पढ़ लेते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल, यूनिसेलुलर आपने पढ़ा होगा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ह्यूमन बॉडी जो वो मल्टीसेलुलर है और यूनिसेलुलर ऐसी बॉडी होती है जिस पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है। तो एनिमल्स मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, एनिमल जो है वो सिंगल सेल से बनते हैं। टेक अप एंड रिलाइज एयर डायरेक्टली फ्रॉम देयर सराउंडिंग बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऐसे जो एनिमल है जो यूनिसेलुलर होते हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या करते हैं सांस लेते हैं। एज सच देयर हैव नो स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इनके शरीर में गैस एक्सचेंज करने का कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। तो मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स होते हैं और जो मतलब जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, एनिमल मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जो एक सेल से ज़्यादा सेलों से बने होते हैं, हैव स्पेशल ऑर्गन दैट हैव टू टेक इन द रिलीज एयर। अब देखो भाई जिसके पास बहुत सारे ऑर्गन होंगे तो कोई एक ऑर्गन उसका सांस लेने में लगा दिया समझ गए, तो वो मल्टी सेलर एनिमल हो गया, और जिसमें बहुत सारे सेल है ही नहीं सिर्फ एक ही सिंगल सेल है उसे यूनिसेलुलर बोलेंगे, तो वो उसी सेल से क्या करेगा सांस लेगा, तो उसका डिफ्यूजन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो इसको कुछ थोड़ा और डिटेल में बता रहा है वो, लेट अस लुक एट द मेथड ऑफ ब्रीथिंग इन डिफरेंट एनिमल, अलग अलग जानवरों में सांस लेने के अलग अलग तरीके। मोइस्ट स्किन, जिनकी स्किन क्या होती है नमी वाली स्किन होती है, एनिमल सच एज अर्थवर्म जो जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े हैं लीचिज ब्रीथ थ्रो देयर मॉइस्ट स्किन, वो अपनी स्किन से ही सांस लेते हैं, उनकी स्किन में क्या होता है मॉइस्चर होता है। सम एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग, जैसे मेंढक न्यूस्ट एंड सेलेमेंडर्स आल्सो रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन वैन इन वाटर, जब ये पानी के अंदर होते हैं तो ये अपनी स्किन से ही सांस लेते हैं, ये दिखा रखा है मॉइस्ट स्किन, ये इसकी स्किन है वो मॉइस्चर वाली और यहीं से वो सांस लेता है जब पानी के अंदर होता है, और ये उसके लंग्स दिखा रखे हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फ्रॉग, ये तो फ्रॉग के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। फिर स्प्रेकल्स, ये आपको दिखा रखा है। इंसेक्ट्स हैव होल अलोंग द लेंथ ऑफ देयर बॉडीज कॉल्ड स्प्रिकल्स, इसमें देखो दिखा रखे हैं टेरिचिकल ट्यूब्स जो ये दिखा रखी हैं, ठीक है, ये अलग अलग दिखा रखी है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में, ठीक है, ये दिखा रखी है, ये जो ट्यूब्स ही दिखा रखी है। स्पेरिकल थ्रू विच एयर इंटर द बॉडी, इनमें से हवा के अंदर
मतलब हवा से इनकी बॉडी में एंटर करती है स्पेशल ट्यूब कॉल्ड ट्रेचिकल ट्यूब्स, जिन्हें ट्रेचिकल ट्यूब्स बोलते हैं, आर प्रेजेंट इन साइड द बॉडी, जो बॉडी के साइड में होती है, विच हेल्प टू ट्रांसपोर्ट एयर विद इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर हवा लेने में सहायक होती है, इन साइड द बॉडी। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज सेंट आउट थ्रू स्पेरिकल्स, और स्पेरिकल्स के थ्रू क्या होती है, ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है। तो ये दो तरह के थे। फिर तीसरा एक होता है जिसके अंदर गिल्स होते हैं, जो गिल से भी सांस लेते हैं। फिशेज एंड अदर एक्वाटिक एनिमल ब्रीथ थ्रू स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स। अब मछलियाँ होती हैं और पानी के और भी, एक्वाटिक मतलब होता है पानी, पानी के और भी जानवर जो होते हैं वो सांस लेते हैं गिल्स के थ्रू। गिल्स आर प्रेजेंट इन साइड ए पेयर ऑफ थिन सिल्ट इन द स्किन ऑन बोथ साइड ऑफ फिश बॉडी, फिश बॉडी के दोनों साइड में होते हैं ये जो दिखा रखे गिल्स, ठीक है, ये गिल्स हैं, एरो से दिखा भी रखे हैं। बिहाइंड द आइज, आइज के थोड़ा पीछे होते हैं, ईच गिल्स सिल्ट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, इनमें काफ़ी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। द फिलामेंट आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपेलरीज, और फिर वो कैपेलरीज से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं और यहाँ से वो ऑक्सीजन को रिफाइंड करके ले जाते हैं। अब होता क्या है, ए फिश ब्रीथ बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू द माउथ। अब फिश क्या करती है, सांस लेती है पानी मुंह में लेकर, पानी को मुंह में ले लेती है। दिस वाटर पासिस ओवर द गिल्स, और ये पानी जो पास होता है गिल से, फ्रॉम वेयर द ब्लड इन द कैपेलरीज, जिसमें क्या होता है, जिन कैपेलरीज में ब्लड होता है, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द वाटर, पानी से। द ऑक्सीजन इज द ट्रांसपोर्टेड बाई द ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ फिश बॉडी, और यहाँ से ऑक्सीजन बॉडी फिश के पूरी बॉडी में चले जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन टू द आउट गोइंग वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, डिफ्यूज होती है बाकी पानी के अंदर, समझे। तो मछली है जो मुंह में से पानी ले लेती है और उसके गिल में से जब वो पानी निकलता है तो पानी तो बाहर चला जाता है और जो ऑक्सीजन होती है वो उसके ब्लड में मिक्स हो जाती है, वहाँ पे जो ब्लड होता है ना उस ब्लड में मिक्स हो जाती है और ब्लड फिर उसको अंदर ले जाता है। बेबी फ्रॉग कॉल्ड टेडपोल, जो छोटा मेंढक होता है जिसे हम टेडपोल बोलते हैं, आल्सो ब्रीथ थ्रू गिल्स, वो भी गिल्स से सांस लेते हैं। दे ब्रीथ थ्रू स्किन एंड लंग्स व्हेन दे ग्रो अप टू बिकम फ्रॉग, ठीक है, और जब वो बड़ा हो जाता है तब वो अपने लंग से सांस लेता है और स्किन से सांस लेता है, और उससे पहले वो गिल से लेता है, यानी टैडपोल जब होता है वो, तब वो गिल से सांस लेता है, और जब बड़ा हो जाता है तो वो कहाँ से सांस लेता है, अपने लंग से, ठीक है। अब लंग्स क्या होते हैं, देखो, हायर एनिमल्स सच एज एम्फीबियन रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग कॉल्ड लंग्स, ठीक है। अब जो बड़े जानवर होते हैं जिसमें एम्फीबियंस आ गए, रेप्टाइल्स यानी स्नेक होते हैं जो घसीट के चलते हैं, या मतलब जो भी ऐसा जो पेट को जमीन में रगड़ के चलते हैं, बर्ड्स हो गया और मैमल्स हो गए, हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग कॉल्ड लंग्स, इनके स्पेशल ऑर्गन होता है जो जिससे वो सांस लेते हैं, जिन्हें लंग्स बोलते हैं। दीज आर पेयर ऑफ स्पॉन्जी सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द चेस्ट, जो छाती के अंदर प्रेजेंट होता है, रीजन ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन रिच एयर रिचेज द लंग्स थ्रू द नोज, वेयर ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट इन टू द एयर, जिसमें नाक से सांस लेके और हवा को, जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है उसको अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, आदमियों के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो अब देखो, जो आदमी होते हैं ना उसके अंदर सांस लेने का क्या तरीका होता है, वो सिस्टम दिखा रखा है। तो देखो, पहले तो ये नाम देखो, नोस्ट्रिल, नाक के पास होता है, फिर ट्राइचिया, ट्राइचिया हमने एक और जगह देखा था, जो वो था ना टिड्डा था, टिड्डे के साइड में था। देखो मैं फिर दिखा देता हूँ, ये रट, देखो ये रट ट्राइचिया ट्यूब्स, ठीक है। तो ऐसे आदमी में भी होता है, ये रट ट्राइचियस, ठीक है, ये दिखा रखिए गोल गोल। फिर ब्रोनी कोलिज, ब्रोंकोलिज, ठीक है, ये कुछ उससे गोभी से मिलता हुआ शब्द है ब्रोंकोलिज, ठीक। फिर ये फेफड़े हो गए, लंग्स, फिर डाइफाग्राम, नीचे डाइफाग्राम होता है। तो ये सारा जो है वो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ये तो थोड़ा थोड़ा हमने नाम पढ़ा था। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, नाक हो गई, ट्रेचिया हो गया, और विंड पाइप हो गई, हवा लेने वाला पाइप हो गया, एंड अ पेयर ऑफ लंग्स, ठीक है, और दो फेफड़े हो गए। ह्यूमन बींग ब्रीथ इन ऑक्सीजन रिच एयर थ्रू द नोज। अब नाक से सांस लेता है जिसके अंदर ऑक्सीजन भरी होती है, ठीक है, ऐसी हवा लेता है जिसके अंदर ऑक्सीजन भरी होती है। द ट्रेचिया और वाइंड पाइप ट्रांसपोर्ट द इनहेल एयर टू द पेयर ऑफ लंग्स। अब वो हवा कहाँ तक चली जाती है, सीधे लंग्स तक चली जाती है। यहाँ से सांस लेता है और वो हवा कहाँ आ गई, यहाँ पे, ठीक है, दोनों लंग्स में आ गई।
ठीक है, सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट कैविटी में सिचुएटेड है। ए बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द रिब केज, एक छोटा सा बोनी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे रिब केज कहा जाता है। देखो ये बड़े में ये था, इधर ये दिखा रखा रिब केज, ये रहा। ठीक है, रिब केज प्रोटेक्ट द लंग्स, जो लंग्स को बचाता है। इट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू लंग्स एंड हेल्प टू टेक इन द रिमूव एयर फ्रॉम द लंग्स, और लंग्स से हवा बाहर निकालने में भी ये क्या होता है, सहायक होता है। ये पूरा लंग का फेफड़े का दिखा रखा है, ये एवोली, ये ब्रोंकलीज जो मतलब फैली हुई है, और ये ट्रेची है। तो यहाँ से सांस अंदर जाती है और फिर यहाँ से वापस भी बाहर जाती है। ईच लंग इज फर्दर मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्क्लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एलिवोली। ठीक है, ये जो भी नाम है आप इसको प्रोनंसिएशन करके देख लीजिएगा, एलोवोली जो भी हो। ठीक है, विच आर सराउंडेड बाई ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रोवाइडिंग सफिशियंट ब्लड सप्लाईज। ठीक है, और इससे क्या होता है, पूरे शरीर के अंदर ब्लड सप्लाई फैल जाती है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन रिच होता है तो ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच जाती है। इट इज़ हेयर दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और यहाँ पे गैसेज का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्योर, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती हैं, पैदा होती हैं और एब्जॉर्ब की जाती है। देखो ये दिखा रखा है, देखो ये कैपिलरीज हो गई और ये हो गई, यहाँ से मान लो ये ऑक्सीजन आ रही है ब्लू वाली से, ठीक है, और फिर ये रेड वाली है जो, ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे रही है और यहाँ पे ये एक्सचेंज हो जा रही है। ठीक है, इनके अंदर जो ये दिखा रखा है ना छोटे रूप में, फिर ये उसको और थोड़ा मैग्नीफाइंग करके दिखा रखा है, फिर उसके बाद ये और ज़्यादा डिटेल में आपको दिखा रखा है। ठीक है, फिर ये पेलुमोनरी वेंस दिखा रखा है, फिर ऑक्सीजन देखो ये इस साइड से ऑक्सीजन इंटर हो रही है बॉडी के अंदर, और फिर ये बाकी की जो यहाँ पे एब्जॉर्ब की जा रही है शरीर के अंदर, और फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस से दूसरी वेंस के थ्रू बाहर निकल जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप गैस में शरीर के अंदर रेस्पिरेशन सिस्टम में चेंज हो जाती है। ये दिखा रखा है गैस एक्सचेंज इनसाइड द सिंगल एवोली, ये सिंगल दिखा रखा है आपको, ये कंबाइन दिखा रखा है, और ये फेफड़ा दिखा रखा है आपको, लंग दिखा रखा है। फिर दूसरा अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द डायफाग्राम, फिर उसके नीचे डायफाग्राम हो जाता है। हमने देखा था लंग्स के नीचे क्या था, डायफाग्राम, देखो ये रहा, ये वाला क्या है, डायफाग्राम। ठीक है, फिर हम डायफाग्राम का भी अपना इम्पोर्टेंट काम होता है, इसमें क्या होता है, विच इज़ अ डोम शेप मस्कुलर प्रेजेंट बीनिथ द लंग्स, इसका डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। डोम लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा मंदिर के अंदर गुंबद होते हैं ऐसे, ठीक है, तो इस तरह का जो सिस्टम है वो ये होता है पेट के ऊपर बीनिथ द लंग्स। ड्यूरिंग इनहेलेशन जब हम सांस लेते हैं द डायफाग्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, तो डायफाग्राम क्या होता है, सिकुड़ता है, मूव्स डाउनवर्ड नीचे की तरफ टू अलाउ एयर इनटू द लंग्स, जिससे क्या होता है ये मतलब एक बार फैलता है और एक बार सिकुड़ता है, जिससे एक बार हवा अंदर जाती है लंग्स की और एक बार बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड, अब जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, ठीक है, ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन अंदर आती है प्रेजेंट विद इन द ब्लड, जो ब्लड के अंदर होती है वेसल फाउंड इन द लंग्स, वेसल्स यानी जो लंग के अंदर ब्लड के साथ ऑक्सीजन चली जाती है, द ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, और खून जो है वो शरीर के दूसरे हिस्सों में ऑक्सीजन को लेके जाता है। इट आल्सो कैरीज वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, और फिर ये वेस्ट के रूप में, वहाँ से तो ऑक्सीजन यूज हो गई और वेस्ट के रूप में क्या लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो होता है उसको वेस्ट के रूप में वापस लाता है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, तो इनहेल में तो अंदर चला गया और एक्सहेल में बाहर आ गया, तो एक्सहेल में क्या होगा, जो एक्सक्रिएट है मतलब जो कचरे के रूप में है वो वहाँ से बाहर आ जाएगा। डायफाग्राम रिलैक्स, तब डायफाग्राम क्या होगा, रिलैक्स होगा यानी मूव अपवर्ड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज पुश्ड आउट द लंग्स, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, पुश होगी शरीर के बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमन का, और इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है जिस एक्टिविटी से आप अच्छे से समझ सकते हो, टू अंडरस्टैंड हाउ द डायफाग्राम वर्क ड्यूरिंग ब्रीथिंग, तो डायफाग्राम कैसे सांस लेते वक्त काम करता है वो देख सकते हैं आप। तो देखो ये एक ट्यूब दिखा रखी है, कांच की एक नली लगी हुई है, फिर ये बंद है कोनिकल फ्लैश के द्वारा, और फिर ये जो नली है इसमें दोनों साइड में क्या लगे हुए हैं, बैलून लगे हुए हैं दो, ठीक है, और इधर तो देखो इधर तो ये फूले हुए हैं बैलून, और इधर क्या है, सिकड़े हुए हैं, क्यों, क्योंकि देखो इधर से जो ये इसने बांध रखा है रबड़ का टुकड़ा, इस रबड़ को एक बार बाहर की तरफ खींच रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, तब ये फूल जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये बाहर से ऑक्सीजन भरेगा तो इनके अंदर आ जाएगी। अब अंदर जो स्पेस खाली हो जाता है ना, उस स्पेस को भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये हवा बाहर से अंदर की तरफ एंटर हो जाएगी, और जब इसको बाहर की तरफ करेंगे तो जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो ये जो ये डायफाग्राम की तरह जो दिखा रखे है सिकुड़ जाएंगे। तो इस तरह से ये एक्टिविटी करके आपको समझ में आ जाएगा, ये एक्टिविटी आप इसको ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में आ सकती है। फिर इसके छोटे क्वेश्चन आंसर आ गए इस टॉपिक के,
इनको मैच द फॉलोइंग करना है, जो भी मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से आप इनको मैच करोगे, ठीक है। ब्रीथिंग किसके साथ होगी, वैसे तो आंसर लिखे ही हुए हैं इधर, फिर भी आप देख लीजिएगा, फिर ट्रू फॉल्स कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक में करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा का। थैंक यू फ्रेंड्स।